देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये जो डिज़ाइन हमने बनाया था कस्टमर के लिए, कस्टमर के प्लान के अकॉर्डिंग, मतलब उनका प्लान हमारे पास आया था, एक रफली प्लान हमारे पास आया था, लगभग 4 BHK प्लान था, मतलब 4 बेडरूम इसमें हमने उन्होंने बनाए थे, और वो प्लान हमारे पास भेजा था। तो उस प्लान के अकॉर्डिंग हमने उनको सिंगल फ्लोर हाउस डिज़ाइन बना कर दिया था। इस डिज़ाइन में कुछ चेंजेस भी किए गए थे, कुछ नॉमिनल चेंजेस भी किए गए थे, और उसके बाद में इस डिज़ाइन के कलर ऑप्शन भी हमने दिए थे। तो ये जो पूरा का पूरा जो है प्लान जो है, आपको 3D कट सेक्शन के हिसाब से मैं आपको समझाने वाला हूँ, मतलब इंटीरियर कट सेक्शन आपको इस प्लान का बताने वाला हूँ। मतलब इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि रूम के साइजेस वगैरह, डायमेंशंस वगैरह किस टाइप में बिठाए गए हैं और किस प्रकार से बिठाए गए हैं। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए, काफ़ी अच्छा और बेहतरीन सा प्लान है आपको आपके घर के लिए या आपके प्लान के लिए। इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी या कुछ ना कुछ आइडिया मिल सकती है। मेरा नाम DK लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइन और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में हर तरह की जानकारी चैनल पर लाने की कोशिश करते रहता हूँ। तो सबसे पहले इस डिज़ाइन को समझ लेते हैं, उसके बाद में इसका 3D इंटीरियर कट सेक्शन देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस टाइप में ये पूरा डिज़ाइन है कॉर्नर व्यू में। यहाँ पर विंडो है, यहाँ पर मेन डोर बताया गया है, उसके बाद में इस साइड में 2 विंडोज बताए गए हैं। तो सिंपल सा पोर्च का डिज़ाइन बताया गया है और इसका ये कलर ऑप्शन हमने बनाया था। डिज़ाइन में नॉमिनल चेंजेस किए गए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये कलर कॉम्बिनेशन हमने बनाया था, ये भी कलर कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी अच्छा और काफ़ी अट्रैक्टिव हमने बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद में ये भी एक बढ़िया सा कलर कॉम्बिनेशन हमने दिया था कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उनके चॉइस के हिसाब से। तो इस टाइप में आप देख सकते हैं, ये पूरा डिज़ाइन हमने बनाया था और ये कलर कॉम्बिनेशन हमने बनाए थे। अब इसको जो है अंदर से किस टाइप में हमने बनाया था वो भी एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, अंदर से देखेंगे। सबसे पहले प्लॉट का साइज़ जो है, मतलब कंस्ट्रक्शन का साइज़ जो है 35 फीट बाय 46 फीट का है, मतलब 35 फीट बाय 46 फीट का। तो इस टाइप में ये पूरा डिज़ाइन है। अब इसको हम अंदर से जाकर देखेंगे किस टाइप में इसको बनाया था। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे हमारे इस डोर में और यहाँ पर इस डोर में क्या है देखेंगे। तो ये जो डोर है हमारे ड्राइंग रूम का है, मतलब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारे ड्राइंग रूम में एंट्री कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें पार्किंग का एरिया मिलता है, मतलब यहाँ पर वरांडा मिलता है, ठीक है। और इस वरांडे के बाद में हम एंट्री कर रहे हैं हमारे इस ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पर एक ड्राइंग रूम रहेगा, इस ड्राइंग रूम में हमारे गेस्ट वगैरह ठहर सकते हैं। 10 फीट बाय 12 फीट का इसका साइज़ है, मतलब 10 फीट बाय 12 फीट का, ठीक है। और इस टाइप में यहाँ पर हम सोफा सेट वगैरह लगा सकते हैं और हमारे गेस्ट को यहाँ पर बिठा सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर एक बड़ा सा आर्च रहेगा, आप देख सकते हैं। और आर्च से एंट्री करेंगे हमारे डाइनिंग कम हॉल में। तो यहाँ पर हमारा डाइनिंग और किचन है। तो देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा जो है डाइनिंग का एरिया बताया गया है और इसका साइज़ है लगभग 27 फीट बाय 11 फीट 4 इंच का, मतलब 27 फीट बाय 11 फीट 4 इंच का ये पूरा का पूरा जो है साइज़ है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो इस साइड में हमारा किचन ओडा रहेगा, आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर ओपन किचन रहेगा, उसके बाद में यहाँ पर डाइनिंग रहेगा। तो हमारे हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं, हमने खाली सिंपल आपको प्लान समझने के लिए ये मॉडल बनाया था। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस आर से हम एंट्री करते हैं हमारे इस हॉल में। उसके बाद में लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको एक डोर नज़र आता है, इस डोर से हम एंट्री करेंगे हमारे इस बेडरूम में। देखिए यहाँ पर जो बेडरूम बताया गया है 12 फीट बाय 12 फीट का इसका साइज़ बताया है, मतलब 12 फीट बाय 12 फीट का। और इस बेडरूम को जो है एक अटैच टॉयलेट बाथरूम बताया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका डोर रहेगा और यहाँ से एंट्री करेंगे हमारे अटैच टॉयलेट बाथरूम में, जिसका साइज़ हमको मिलता है लगभग 6 फीट बाय 6 फीट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका साइज़ जो है लगभग 6 फीट बाय 5 फीट का है, ठीक है, 6 फीट बाय 5 फीट का है। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस बेडरूम को 2 विंडोज बताया गया है, एक लेफ्ट साइड में और एक फ्रंट साइड में यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, फिर से हम हमारे डाइनिंग के एरिया में आते हैं और उसके बाद में लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो हमको एक डोर नज़र आता है, ये जो डोर है हमारे कॉमन टॉयलेट बाथरूम का डोर है। अब इसका भी साइज़ है लगभग 6 फीट बाय 5 फीट का, ठीक है, इसका साइज़ जो है 6 फीट बाय 6 फीट का है। और ये जो अटैच टॉयलेट बाथरूम था इसका 6 फीट बाय 5 फीट का था, लेकिन ये जो कॉमन टॉयलेट बाथरूम है इसका 6 फीट बाय 6 फीट का साइज़ है और यहाँ पर इसका डोर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर से यहाँ पर एक बड़ा सा आर्च रहेगा और आर्च से एंट्री करेंगे हम हमारे इस पैसेज में, देखिए यहाँ पर। और इस पैसेज में राइट साइड में एक पूजा रूम बताया गया है, आप देख सकते हैं, जिसका साइज़ है 5 फीट बाय 7 फीट का। तो यहाँ पर एक छोटा सा पूजा रूम हमने बिठाया था, यहाँ पर हमने डमी मॉडल बताया है, आप देख सकते हैं, आपके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमने सिर्फ ये आपको प्लान समझने के लिए ये मॉडल बनाए थे। तो उसके बाद में लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो हमको स्टेयरकेस मिलते हैं, जो यहाँ से हमारी सीढ़ी स्टार्ट होती है, उसके बाद में हम यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं।
तो आप देख सकते हैं ये स्टेयरकेस जो है, स्टेयरकेस के नीचे एक अटैच्ड बाथरूम बनाया गया है जो अंदर से यूज़ होगा इस बेडरूम के लिए। तो इस बेडरूम में हम एंट्री करेंगे इस डोर से, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो डोर है, इस डोर से हम एंट्री करेंगे हमारे इस बेडरूम में। और इस बेडरूम का साइज़ हमको मिलता है लगभग 12 फीट बाय 12 फीट का, मतलब 12 फीट बाय 12 फीट का। और इसको एक यहाँ पर एक डोर रहेगा और स्टेयरकेस के नीचे एक अटैच्ड बाथरूम रहेगा जो हम अंदर से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक मास्टर बेडरूम है। उसके बाद में फिर से आप देख सकते हैं ये सेकंड वाला बेडरूम था, दोनों बेडरूम में अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया था। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला बेडरूम है, उसके बाद में सेकंड वाला बेडरूम है, इसको भी अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है। उसके बाद में हमको दो डोर नज़र आते हैं, जिसमें से लेफ्ट साइड में मतलब सेंटर वाले डोर में अगर हम देखेंगे तो इस बेडरूम का साइज़ हमको मिलता है 10 फीट बाय 12 फीट का, 10 फीट बाय 12 फीट का। और इस बेडरूम को पीछे के साइड में एक विंडो बता है, तो यहाँ से इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिलेगा। उसके बाद में लास्ट वाला बेडरूम है हमारा, यहाँ पर डोर रहेगा। इस बेडरूम से अगर हम एंट्री करेंगे तो हमको लास्ट वाला बेडरूम मिलता है 10 फीट बाय 12 फीट का, इस बेडरूम का साइज़ है। और इस बेडरूम को दो विंडोज बताया गया है, एक राइट साइड में और एक पीछे के साइड में। तो ये बेडरूम है, आप देख सकते हैं ये लगभग चौथा बेडरूम है, मतलब ये तीन बेडरूम जो हमारे एक लाइन में आप देख सकते हैं, और एक फ्रंट साइड में एक बेडरूम बताया है, और उसके बाद में ये एक ड्राइंग रूम बताया है। तो ये पूरा का पूरा जो है 4 BHK प्लान हमने, ये पूरा डिज़ाइन हमने बनाया था। तो 4 BHK का प्लान हमारे पास आया था और इसके आधार पर ये पूरा डिज़ाइन हमने बनाया था। तो इसका प्लान भी हम देखते हैं किस टाइप में बनाया था लास्ट में, और वीडियो को क्लोज करेंगे। तो आपको ये प्लान कैसा लगा आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और उसके बाद में अगर आपको भी प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफिस के नंबर आपको लास्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको जो है आपके चार्जेस वगैरह हमारे क्या है ये आपको पता चल जाएगा। तो इस टाइप में ये पूरा जो है प्लान हमारे पास आया था, आप देख सकते हैं इस टाइप में। तो आशा करता हूँ आज का छोटा सा वीडियो जो है आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इस प्लान में क्या क्या सुधार कर सकते हैं ये भी बता सकते हैं हमें कमेंट करके। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।